अब बात हरियाणा में जाट आरक्षण की। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के तहत जाट समुदाय समेत कुल 6 जातियों को आरक्षण देने का बिल मंगलवार को सदन में पेश किया, जो ध्वनि मत से पास हो गया। इनेलो ने जहां इस बिल का समर्थन किया, वहीं कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जाट आंदोलन के हिंसक रूप ने हरियाणा सरकार को इतना परेशान कर दिया कि जाट समुदाय की आरक्षण की मांग को मानते हुए मौजूदा सत्र में जाट आरक्षण बिल और पिछड़ी जाति कमीशन के गठन का बिल सर्वसम्मति से पास करवा लिया गया। पूरा विचार विमर्श करने के बाद वो जो आरक्षण का विषय था, खास करके जाट जाति, जट सिख, त्यागी, रोड, बिश्नोई एवं मूला जाट, ऐसी ये 6 जातियों का जो आरक्षण का विषय पेंडिंग चल रहा था, उसको आज बिल पारित करके एक एक्ट के रूप में हमने पास कर दिया है। जाट आरक्षण पर खट्टर सरकार की इस पहल पर हरियाणा कैबिनेट में जाट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए। सदन की कार्यवाही के दौरान जाट और खाप नेता भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जाट समुदाय मौजूदा आरक्षण बिल से संतुष्ट है। ये मुख्यमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन, ये उनके नेतृत्व की छाप है। उन्होंने जो वादा किया, उस वादे को संपूर्ण समाज को देते हुए आगे बढ़ाया है। उन्होंने बीसी ए को भी दिया, बी को भी दिया, सी को भी दिया और ईपीबी को भी दिया। उन्होंने जो बैकवर्ड क्लास ए में दिया है, उनका जो क्लास और 1 और 2 के लिए जो 10% आरक्षण था, उसको 11 किया और जो 16 था वो यूं कहीं बरकरार रखा। आज विधानसभा में पारित हुआ है, जैसे मैंने अभी अभी इसका कंफर्म किया है कि जो अपना बैकवर्ड क्लास का 27% था, उसके अंदर 10% और बढ़ा के जो 37% का रूप लेगा, 16, 11, 10, 2 कैटेगरी बनाई गई, 3 कैटेगरी बना दी, पहले ए बी था, अब सी बना दी, सी थी। तो उसका हमें ये बेनिफिट है कि हम उस बैकवर्ड क्लास में शामिल हो गए हैं। दरअसल आज सदन में बिल जरूर पास हो गया है, पर अभी इस पर हरियाणा के गवर्नर की सहमति जरूरी है और उसके बाद जिस बैकवर्ड क्लास में खट्टर सरकार ने एक नई श्रेणी सी बनाई है, उसके लिए केंद्र सरकार को संविधान में आर्टिकल 9 के तहत उसमें बदलाव करना है, जो इतना आसान नहीं है। अब देखना है कि बिल विधानसभा में तो जरूर पास हो गया है, पर हरियाणा के जाट समुदाय के नेता, जिन्होंने 31 तारीख तक आंदोलन न करने की मोहलत दी थी, क्या वो इस आरक्षण के मौजूदा स्वरूप को मानेंगे? गौरव वालिया, लाइव इंडिया, चंडीगढ़।